पहले विकास दुबे मामले में पुलिस की मुखबिरी और फिर उसका एनकाउंटर, युवक के अपहरण में फिरौती की रकम का गोलमोल करने और जय वाजपेयी से आला पुलिस अफसरों के मधुर संबंधों के होने, संवासिनी मामलों में पत्रकारों को पीटने के मामले में कानपुर पुलिस को ये तीन दबंग दरोगा बुलंदियों पर पहुंचाने पर आमादा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस के लिए बीते मंगलवार का दिन बेहद ही शर्मनाक बीता, जिसका मुख्य कारण था सोशल मीडिया, जो रात के 12 बजते ही कानपुर पुलिस के विरोध में जा खड़ी हुई और चारों तरफ मित्र कही जाने वाली यूपी पुलिस की मार और गालियों की आवाजें गूंजने लगी। कहीं कोई मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दे रहा है, तो कहीं कोई दरोगा फरियादी को गाली गलौज कर रहा है, तो कहीं लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहे दरोगा को इतना गुस्सा आया कि उसने मास्क लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। आइए देखते हैं इन पुलिस वालों के कारनामे, जो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। वीडियो नंबर 1, कहां जा रहे हो मुझे जानते हो, ऐसी कार्यवाही करूंगा कि भूल जाओगे घर से निकलना। ये आवाज और चेहरा है काकादेव थाना क्षेत्र की शास्त्री नगर चौकी में तैनात दरोगा सुरेश पाल सिंह का, जिन्हें लॉकडाउन में ड्यूटी करनी पड़ रही थी, जिसको लेकर सुरेश पाल अपनी लाठी को मसल रहे थे। तभी उन्हें इतना गुस्सा आया कि सामने से आ रहे अमित नाम के एक युवक को रोक लिया और जबरन गाली गलौज करने लगे, जिस पर युवक ने ये पूछकर गलती कर दी, आखिर उसका दोष क्या है? बस क्या था, दरोगा सुरेश पाल को इतना गुस्सा आया कि उसने अमित के खिलाफ शांति भंग की धारा 151 के साथ ही लॉकडाउन के उल्लंघन की धाराओं के तहत कार्रवाई कर डाली। लेकिन दरोगा सुरेश पाल को नहीं मालूम था कि अमित उसका वीडियो बना रहा था। कहाँ जा रहा ये, कहाँ जा रहे तुम लोग, कहाँ जा रहे कागज लेने, दोनों जा रहे कागज लेने। हाँ, गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी खड़ी कर दी। चाबी लेनी, क्या बता रहा था? चलो चल, वो ले आना चालान बुक, बिना मास्क। मास्क लगाया मैंने, लॉकडाउन। हाँ हाँ, मारिए सर, बिल्कुल मारिए। लॉकडाउन कहाँ घूम रहे? मैं सामान लेने आया था, मुझे नहीं पता लॉकडाउन पता क्यों नहीं, तो मारेंगे सर। गलती हो गई, मैं माफी मांग रहा हूँ, बंद करूंगा, तो बंद भी करूंगा। अभी जानते नहीं हो? नहीं सर, हम कहाँ जा कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं, हम मास्क नहीं लगाए सर का, इसीलिए कहता हूँ बिना मास्क का ये चला। हाँ तो बिना मास्क का क्यों काट देंगे सर? चलो चलो इसको, ए सिमदार यहाँ, इसको पकड़ो, चलो हवा ला दो, दिखा पड़ी करो, इसका चालान ही भरो, चलो सर। गलती हो गई, क्या बताइए, हम जा रहे। अरे आज से सर तो हाथ जोड़ रहा हूँ मैं सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, गलती हो गई। इसका चालान नहीं भरो, 151 लॉकडाउन उल्लंघन सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलो वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, माफ कर दीजिए, वहाँ चलो, माफ कर दीजिए सर, सभी लोग जा रहे सर। दूसरा स्टिंग था कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र की चौकी सनी गवा का, जहां पर तैनात चौकी इंचार्ज अजय कुमार भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन यहां तो अजय कुमार ने सरकार के नियमों का हवाला देकर सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी, जिसमें उन्होंने एक युवक के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्यवाही कर डाली कि वो कार से गेहूं लेने जा रहा था, जिसको सीट बेल्ट न लगाने और लॉकडाउन को तोड़ने के लिए दोषी बना दिया गया, जबकि युवक के अनुसार वो सीट बेल्ट लगाए हुए था। लेकिन दरोगा अजय कुमार को सिर्फ चालान करना था तो कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि पीड़ित युवक उनका वीडियो बना रहा है। ज्यादा नुकसान हो जाएगा, अभी सीट बेल्ट है खाली, लॉकडाउन को भी गिरफ्तारी लगाऊंगा मुकदमा सर। हम तो अब क्या कह रहे हैं, कहीं नहीं, सब प्रतिशत लॉकडाउन हो चुका है, विधाता नहीं हो गया, जरूरी काम के लिए भी नहीं आ सकते, कुछ नहीं मिलना तक नहीं है, अभी तुम्हें पता नहीं है सब, ऑटो रिक्शा भाई सब बंद है, सिपाही को दोषी बना रहे, सीट बेल्ट हम लगाए थे। अरे सर कोई जो भी तुम्हारा वो दुश्मन है, लगाए रहोगे तो बता देगा कि नहीं लगाए। अरे सर उन्होंने बोला गाड़ी पेपर चेक करा दी है, उसके बाद हमने गाड़ी पेपर चेक करा दी है, वहाँ पे चालान काट दिया है।
थोड़ी ना बुलवाद होती है। मैंने तुम सीट बेल्ट लगाए थे, चालन कर दिया। सर हम सीट बेल्ट लगाए थे, हमारे साथ का लड़का बैठा हुआ, आप उससे नहीं पूछ रहे हैं। आप अपने आदमी भरोसा करें, हमारे हमारी भी सुन लीजिए। आपका दुश्मन है वो ना? हमारा दुश्मन तो नहीं है, मगर आप जो करना चाहें आप करिए, आपके उसमें खड़े हैं, आप जो करना चाहें आप उसमें। हम सरकार के आदेशानुसार तो ये है कि जरूरी सामग्री आप लेने जा सकते हैं, अपना गेहूँ उठाने जा रहे थे, आपने मना कर दिया, आपने चालान कर दिया, हमारा कोई दिक्कत नहीं, आप गिरफ्तार करने के लिए आए थे। सारी चीजें हैं, हम सुधार देंगे वहाँ पे। हाँ भाई, ये लाल वाली पर्ची दे दीजिए। गलत चीज है मगर ये, मत बोलो। कर रहा हूँ सर, अब हम आगे नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, पीछे ही जाओगे। हमें गेहूँ लेने जाना, वो 50 रास्ते बनाए गए, उसी चलते आओ सर। ये रास्ता क्लोज है, या पीछे से रास्ता जाता है, घेमिल को रोक के निकल जाओ। आप तो सीन मना कर रहे हैं, गेहूँ नहीं लेके जा सकते, गुम नहीं लेके जा सकते, गलत चीज है ना सर, गलत चीज है यार, तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या नाम है इनका? अजय सिंह नाम है ना, बस ठीक है। तीसरा वीडियो तो नहीं, लेकिन मोबाइल फोन के रिकॉर्डर ऑडियो है, जिसे एक फरियादी ने पनकी थाने के चौकी इंचार्ज धीरेंद्र सिंह द्वारा किए गए गाली गलौज को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ऑडियो के मुताबिक फरियादी युवक ने चौकी इंचार्ज धीरेंद्र सिंह को फोन किया और बताया कि सर उसे थाने से कहा गया है कि वो आपके पास चला जाए और अपनी समस्या बताए, कार्यवाही हो जाएगी। जिस पर फरियादी युवक धीरेंद्र सिंह को फोन करके जानकारी दे रहा था तो वो खिसिया गए और इतनी गाली गलौज कर डाली कि फरियादी अपनी फरियाद भूलकर उल्टा गलती मान बैठा। लेकिन धीरेंद्र कुमार को ये नहीं मालूम था कि उनका ये कार्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाएगा। हेलो सर, नमस्कार। कौन सर? मैं रोहित सिंह बोल रहा हूँ। मैंने एक 100 नंबर में सूचना दी थी, कुछ अज्ञात हमलावर हमारे दरवाजे हमला करने आए थे, उनकी पूरी कैमरे में कैद हो गई थी। तो मैं थाने में तहरीर 100 नंबर में मैंने तहरीर दी, तो उन्होंने थाने भेजा था, तो थाने से मैंने उन्होंने थाने से मुझे चौकी भेजा था। तो अप्लीकेशन में अनिल सर मिले थे, उनको दे आया था, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर इंतजार कर लो, साहब आ रहे होंगे उनका, तब 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 उनसे कहीं ना बात करना। आ रहे थे तुम? हम यहाँ रहते गंगन बाजार में। अच्छा चलो ठीक, तुम परेशान ना होना, ठीक है? तो सर परेशान ना हो, उनको देखो, मेरे पास एविडेंस भी है कि ये लोग मेरे घर देना तुमने बता तो दिया, दिखा देना मुझे। तो आपको कब दिखाया आगे? चौकी मिल ना, थोड़ा वेट कर लो, समझ गए? ठीक है सर। तो सुना और देखा आपने, ये थे कानपुर में तैनात 3 दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस के मित्र चेहरे को भूल बैठे हैं। अब देखना यह है कि आला अफसर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं।